हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जेई मेन 2019 का जो थर्ड डे था उसकी एनालिसिस। और सारे एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा सकती है। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, उसकी PDF फॉर्मेट है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा इस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल शिवा लर्निंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ इसे ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, ये उसकी सब हेडिंग है। द कट ऑफ इज़ एक्सपेक्टेड टू गो हाई अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एज स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग एग्जाम टू बी ईजियर देन लास्ट ईयर। मैनी क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम NCERT क्लास 11th एंड क्लास 12th बुक्स। तो गाइस, फॉर सेशन वन ऑफ डे थ्री फिजिक्स रिमेन द टफेस्ट एंड द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस। तो गाइस, सीधे आर्टिकल पर आते हैं। सब हेडिंग आपने पढ़ी ली है। द थर्ड डे ऑफ द जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE शिफ्ट वन हैज़ कंक्लूडेड एंड द सेकेंड शिफ्ट बिगेन फ्रॉम 2:30 PM। स्टूडेंट्स हु हैव अपियर्ड फॉर द January 10 फर्स्ट शिफ्ट फाउंड फिजिक्स सेक्शन डिफिकल्ट टूडे वाइल मैथमेटिक्स वॉज कंसिडर्ड ईजी टू मॉडरेट। तो गाइस, जो फिजिक्स थी वो डिफिकल्ट थोड़ी टफ लगी स्टूडेंट्स को, और मैथमेटिक्स का जो डिफिकल्टी लगा था ईजी टू मॉडरेट, और जो केमिस्ट्री वो सबसे ईजी थी आज के एग्ज़ाम में। और यही सेम जो रिएक्शन था वो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स का था जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। तो स्टूडेंट इन्फॉर्म मैथमेटिक्स वॉज नॉट ओनली टफ बट ऑल्सो लेंथी। मैनी क्वेश्चन इन ईच सेक्शन वर डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT बुक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th एज पर स्टूडेंट्स। द एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल रेंज बिटवीन 72 to 77 मार्क्स। तो गाइस, जो कट ऑफ है वो रेंज कर सकती है 72 to 77 मार्क्स तक। और सेम यही डे टू वाला जो एग्ज़ाम था इससे पहले वाला, उसमें भी ऐसे ही सेम था, फिजिक्स टफ और मैथमेटिक्स सेक्शन वॉज बिटवीन ईजी टू मॉडरेट वाइल द केमिस्ट्री सेक्शन वॉज ईजी एज कम्पेयर टू द अदर टू सेक्शंस। तो गाइस, जो डिफ़िकल्टी लेवल आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है, फिजिक्स डिफ़िकल्ट, मैथमेटिक्स ईजी टू मॉडरेट और केमिस्ट्री ईजी। तो गाइस, इसलिए जो भी एक्सपर्ट और स्टूडेंट्स हैं सबका यही कहना है कि कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा सकती है। और इस वीडियो मैंने आपको बताया डे थर्ड JEE एग्ज़ाम का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। मिलते हैं अन्य वीडियो में नई नई जानकारियों के साथ। उसके लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।